बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दरूदो सलाम नबी आखरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख शराज, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है इसके अंदर छोटी सी हम क्लैरिटी देने जा रहे हैं आपको ब्लूवर्ड सिटी के बारे में। आजकल एक खबर बहुत ज्यादा गर्दश कर रही है जिसमें नैब की तरफ से जारी करदा जो नोटिस है उसको काफी ज्यादा जो है उसकी हाइप क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पैनिक जो है वो देखने को मिलता है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये क्या चीज है और इसके क्या असरात हो सकते हैं। खास तौर पे इसके असरात जो है वो कस्टमर के ऊपर क्या हो सकते हैं, क्लाइंट्स के ऊपर क्या हो सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला इसमें आपको काफी फायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको आइंदा भी हमारी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी नैब की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया है जो कि अखबार में आया था, जिसमें यह लिखा गया था कि जी ब्लूवर्ड सिटी के ऊपर एक इल्जाम है कि उन्होंने लोगों का पैसा खुर्द-बुर्द किया है और एनओसी ना होने की वजह से इनके ऊपर जो है कुछ एलिगेशंस हैं। इदारों ने तस्दीक की है कि जी इनके पास एनओसी मौजूद नहीं है। ये उसका क्रक्स है, ये उसका जो कहते हैं कि लुब्बे रुबाब जो है उस नोटिस का वो ये है। नाज़रीन, एक चीज तो हम आपको बता दें कि आप लोगों ने जिसने भी यहां पे ब्लूवर्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, मेरा ख्याल है कि आप में से मेजॉरिटी इस चीज को जानती है कि ब्लूवर्ड सिटी के पास एनओसी मौजूद नहीं है। ये एक हकीकत है, ब्लूवर्ड सिटी ने एनओसी अप्लाई किया है लेकिन अभी तक एनओसी इसको फाइनल हतमी एनओसी जिसको बोलते हैं वो नहीं मिला है। हाउएवर दरमियान में इनको जो है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन जो है इनकी मिली थी, इदारों ने इनको जो है वो प्लानिंग परमिशन भी इशू किए थे, उसके बाद इनको 1534 के नाल का एक एनओसी भी मिला था, बट वो फाइनल नहीं था, वो हतमी नहीं था। हतमी एनओसी अभी तक इनको नहीं मिला जो कि अंडर प्रोसेस है। वो कौन सा इदारा देगा, वो आरडीए देगा या कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देगी, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हो सका। उसकी वजह ये है कि अभी तक ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ही अभी क्लियर नहीं हो रही मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि कौन सा इदारा इनको एनओसी इशू करेगा। ये है एक चीज। दूसरी चीज ये है नाजरीन कि अगर नैब जो है वो तहकीक करता है तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, इसमें डरने की जरूरत नहीं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पाकिस्तान के तमाम इदारे बड़े मुतबिर हैं और वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छी चीज है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। इदारों का काम तहकीक करना है, नैब का काम तहकीक करना है और वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और वो ठीक कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। देखिए, इसमें फायदा और नुकसान क्या होगा, कस्टमर को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा इस तहकीक से। अगर खुदा ना खास्ता ये तहकीक होती है और इसमें प्रूव हो जाता है कि जी ब्लूवर्ड सिटी जो है उसके पास जमीनें मौजूद नहीं हैं, या वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा, या वो कब्जा नहीं दे रहा, या वो लोगों के पैसे हड़प कर गया और भाग गया है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यह होगा कि नैब जो है वो जारी वादा केस चलाएगा ब्लूवर्ड सिटी के ऊपर और जो इसमें जो अफेक्टिव होंगे, जो कस्टमर्स जिनका पैसा गया होगा उसको पैसा रिकवर करके दे देगा नैब, जो कि अभी एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जमीनें भी मौजूद हैं ब्लूवर्ड सिटी के पास, ब्लूवर्ड सिटी उसके ऊपर डेवलपमेंट भी कर रहा है, ब्लूवर्ड सिटी जो है उसमें वो बैलेटिंग भी कर चुका है और वो अब कब्जा देने की तरफ भी जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी ये चीज जो है ये एस्टेब्लिश होती है कि ब्लूवर्ड सिटी पैसा खा के भाग गया है, क्योंकि एलिगेशन तो यही है ना कि जी ब्लूवर्ड सिटी जो है ना वो पैसा खा गया है लोगों को और ये है कि लोग उससे मुतासर हो रहे हैं। तो अभी तक एज ऑफ नाउ मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकी ये है कि बाकी इसका हतमी फैसला जो है वो मिजाज अदारे जो है वो ही करेंगे, हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि जी नैब जो है इसकी तहकीकात करता और तहकीक में ये साबित होता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इल्जाम था। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में भी आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो कस्टमर तो हर लिहाज से सेफ है, हर लिहाज से। अगर फैसला ब्लूवर्ड सिटी के खिलाफ जाता है तो भी कस्टमर सेफ है कि कस्टमर को पैसे रिकवर करवा के दिए जाएंगे। अगर ब्लूवर्ड सिटी के हक में आता है तो भी कस्टमर सेफ है क्योंकि कस्टमर को प्लॉट मिल जाएगा। तो दोनों सूरतों में कस्टमर का नुकसान नहीं है एटलीस्ट, ठीक है।
ये एक इसका थोड़ा सा पसे मंजर है जिसको हमने बयान करने की कोशिश की है। बाकी इसका हतमी फैसला मिजाज अदारे ही करेंगे, हतमी फैसला वो ही करेंगे। बाकी जो मुझे नजर आ रहा है ब्लूबर्ड सिटी के साथ, जो मैंने चीजें देखी, अभी कल भी मैं साइट पे गया हुआ था, मैं विजिट करके आया हूं, वहां पे मौजूद जमीनों को देखते हुए, वहां पे मौजूद डेवलपमेंट को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि इस केस में से कोई चीज निकलेगी। बट एनीवेज फाइनल जो डिसीजन है वो आने दें, इंशाल्लाह ताला उससे आपको जो है वो हम आगाह करेंगे अपनी इसी चैनल के ऊपर। ये थी एक छोटी सी क्लैरिटी जो हमने दी। अब ये जब नोटिस आया तो अगर तो एक दूसरा इसका रुख भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर तो ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट या उसके अंदर कोई इस तरह का खौफ हो, कोई डर हो कि उन्होंने कोई पैसा खाया है कस्टमर्स का, तो मेरा ये ख्याल है कि उनको डर के एक साइड पे हो जाना चाहिए, कोई और रास्ते इख्तियार करने चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो दावत दे रहे हैं, वो कहते हैं इदारों को जी बिल्कुल आप आए, आप तशरीफ लाएं, आपका हक है, आपका राइट है, आपकी ड्यूटी है इसको जो है तहकीक करना, तो आप आए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए हम आपको वो डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे, आपने विजिट करने आप विजिट करें, आपने डेवलपमेंट देखनी आप डेवलपमेंट देखें, हर तरह से हम आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरह से ताउन करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये एक स्टैंस है ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट का। इसके ऊपर चौधरी नई मिजाज साहब का भी एक क्लिप आया है, वीडियो क्लिप आया है, मैं आपको वो भी सुनवाता हूं। सबसे पहले आइए हम आपको वो वाला क्लिप सुनवाते हैं, फिर हम दोबारा वापस आते हैं वीडियो में और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नाज़रीन से थोड़ा सा मुखातिब होना चाहूँगा रिलेटेड टू ये जो अभी एक दो दिन से जो एक नैब का लेटर मार्केट में घूम रहा है, उसमें आपने देखा ये लेटर हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिनका दुनिया का सिर्फ कोई और काम नहीं है, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक एक ही उनकी नज़र में रहता है कि यार ब्लूबर्ड सिटी वालों की कौन सी नेगेटिव कोई चीज़ है और निकले और हम उसको मार्केट में घुमाना शुरू कर दें, और उनका दुनिया का कोई काम, यकीन माने वो सुबह उठते हैं, घरों से निकलते हैं, निकल के सिर्फ ये बिज़नेस करते हैं। अल्लाह पाक उनको और भी तरक्की दे और भी खुशहाल रखे, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी वो जलील ही होते रहेंगे, आगे भी जलील हुए इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे, ये तो दुआ है मेरी उनके लिए। बाकी रहेगी नैब के लेटर, देखें जी ये एक पाकिस्तान के एक इदारे हैं, इनका राइट बनता है कि ये एक प्रोजेक्ट है ब्लूबर्ड सिटी चक्री रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका काम है इस प्रोजेक्ट का ऑडिट करना। अगर ये इदारे नहीं चेक करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इस चीज़ से बड़े खुश हैं, अल्लाह पाक हमें पहले उसने इतनी तरक्की दी है, ब्लूबर्ड सिटी के पास हज़ारों नहीं लाखों कनाल हैं, जो लास्ट एक विज़िट में हम लोगों ने आपको पूरा मोटरवे के इस तरफ भी उस तरफ भी दोनों साइड पर प्रॉपर विज़िट कराया। हम ऑन ग्राउंड वहाँ पे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है, ट्रांसफ़र हैं, एग्रीमेंट हैं, लाखों कनाल, और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट जिस स्पीड से चल रही है, बाकी जो लोगों के दिमागों में चल रहा है वो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही विजन है, जिस तरह फर्स्ट टूरिस्ट सिटी जो हम लोग यहाँ पर हमने शुरू से डे फर्स्ट से फर्स्ट 1/4/2018 को हमने इसको अनाउंस किया था, लॉन्च किया था, आज इसको 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल के अंदर आप देख लें 10 से 15 किलोमीटर मेन बोलेवार्ड इस टाइम पे अल्लाह के फजल से साइड पे बन चुकी है, 4 स्कूल सिस्टम आप देख लें, घर अंदर बन रहे हैं और वाटर थीम पार्क, अर्थ ब्रेकिंग का काम हो चुका है। इसी तरह आप देखें नाइट सफारी का काम हमने शुरू कर दिया, सऊदी पाक जर्मन के साथ हमारा इंशाल्लाह चल रहा है, वो भी हो रहा है इंशाल्लाह। जिस तरह ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने एक डिसाइड किया है कि ब्लूबर्ड सिटी की मैनेजमेंट को ये कोई इस तरह का नहीं है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, हमारा जो मेन सिर्फ इस मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही विजन है, जो हमारे पीएम साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो एक विजन था कि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो गरीबों के लिए सस्ते घर, वो हम लोग बना रहे हैं, और उसके अलावा हम उसके अंदर दुनिया की हर फैसिलिटी दे रहे हैं, वाटर थीम पार्क की हो गई है, चाहे कोई भी कैटेगरी का कोई बंदा है, लो है, ए है, बी है, सी है, वो सारे लोग वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकें, और जिन जो लोग बाहर की कंट्री में नहीं जा सकते, आगे पीछे नहीं जा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। और दूसरा ये कि आपका 50 से 60 फुट के ऊपर एक मीठा पानी वहाँ पे दस्तयाब है, और वो नेचुरल कुदरत की तरफ से, आप 50 फुट की गहराई पर जाएँ तो वहाँ से इतना अच्छा पानी आता है कि आपको मिनरल वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कुदरत का एक करिश्मा है, कुदरत अल्लाह पाक ने ब्लूबर्ड सिटी को एक ये इतने शॉर्ट टाइम में इतनी तरक्की दी है कि वो मेरी हिस्ट्री में, मैंने भी काफ़ी कंट्रीज़ का विज़िट किया है, बाहर आगे पीछे रह के, मैंने कभी नहीं देखा कि इतने शॉर्ट टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में
जितने शॉर्ट टाइम इतनी लैंड प्रोक्योरमेंट हुई और जितना प्रोजेक्ट डेवलप हुआ आज दिन तक मैंने तो कहीं नहीं देखा। अगर आपने कहीं देखा तो प्लीज़ मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इतने टाइम में चक्री रोड पे पहले भी 20-20 साल से 21 साल है 25-25 साल से डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपके सामने वही 200-250-150 ज़मीन रख के बैठे हैं और फाइलें पता नहीं कितनी कितनी वो दे चुके हैं। डेवलपमेंट तो उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि आर्किटेक्ट क्या होता है, डिज़ाइनर क्या होता है, इंजीनियर क्या होती है, डेवलपमेंट होती क्या है। तो बाकी ये लेटर तो घूमते रहेंगे, इदारों का काम है चेक करना और हम भी हाज़र हैं। हम इदारों को ख़ुद दावत देते हैं, भाईजान आएँ आप आके एक दफ़ा अपनी गाड़ियाँ लेके सुबह से लेके शाम तक पूरा विज़िट कर लें। अगर आपकी गाड़ियाँ शाम तक ना रुक गई तो हमें गिला कीजिएगा, अल्लाह पाक ने ब्लू वर्ड सिटी को इतनी ज़मीन दी हुई है और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। बेसिकली देखें ना, जो चीज़ें होती हैं ना सारी सिर्फ एक इंसान के बस में नहीं होती, इसमें कमाल सिर्फ ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट का कोई नहीं है, इसमें एक अल्लाह पाक का स्पेशल करम है और आप लोगों के दोस्तों के गरीब लोगों की दुआएं हैं। सारों ने मिलजुल के इसके ऊपर मेहनत की तो कुदरत ने इसको इतने शॉर्ट टाइम में इतनी तरक्की दी है और मज़ीद भी इंशाल्लाह आप भाइयों की वजह से, आप लोगों की दुआओं से, आपके बुज़ुर्गों की दुआओं से इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी और भी तरक्की करेगा और इसी तरह उसकी लैंड प्रोक्योरमेंट चलती जाएगी, उसकी डेवलपमेंट इसी तरह होती जाएगी और हम भी इंशाल्लाह पूरी दुनिया से जो जो ब्रांड हम लोगों को मिलेगा हम इंशाल्लाह सारे ब्रांड आप लोगों से वादा है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर लेके आएंगे और इसको एक ऐसा मिसाली प्रोजेक्ट बनाएंगे कि दुनिया इसकी मिसाल देगी कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए इतने शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट को उन्होंने डेवलप किया और उस प्रोजेक्ट के अंदर दुनिया की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो नहीं, और वो है भी इतना सस्ता इतना कम रेट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, जो उन्होंने कहा था कि हम लोग गरीब लोगों के साथ एक लो कॉस्ट हम लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने वो काम शुरू कर दिया, आप उसको फिज़िकल जिस तरह मर्ज़ी आप जाके विज़िट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसको और भी मज़ीद आगे लेके जाएंगे। बाकी आप लोगों की दुआओं की हमें तलबगार हमेशा रहेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने चौधरी नईम एजाज साहब का जो है मौकफ वो सुन लिया। अब आते हैं इससे अगला जो एक पार्ट है उसके ऊपर भी। इसके ऊपर ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से इश्तहार एक दिया गया है अखबार के अंदर, ये चीज जो है वो एक शाया की गई है जिसमें अपील की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के सामने कि जी जो जो चीजें हमारे से चाहिए आप वो बिल्कुल लें और अगर हमारी सारी चीजें कंप्लीट हैं तो खुदारा हमें एनओसी इशू किया जाए। और ये चीजें वो वाला बंदा ही बोल सकता है जो कि स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर खड़ा हो। ये मेरी जाती ओपिनियन है, ये मेरी जाती राय है कि सारी बात है इस तरह का स्टेप वही बंदा लेता है जो कि स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर खड़ा होता है। आइए आपको ये वाली जो कटिंग है जो कि अखबार में शाया हुई है हम आपको ये भी दिखाते हैं। अपील बनाम वजीर आजम पाकिस्तान, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और टूरिज्म को नाकाम बनाने की साजिश। जनाबे अली, गुजारिश है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अरसा 4 साल से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की हदूद में पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के दोनों इतराफ बंजर खुर्द रकबे जो ज़रात के किसी काम नहीं आ सकता पर शबो रोज़ की मेहनत से बदस्तूर खड़ा करने में मगन है। हमने आपके विजन को फॉलो करते हुए आपकी हकूमत को मुफ्त 5,003 मरला घर और नहायत ही अर्जा कीमतों पर 50,000 अपार्टमेंट्स बनाकर देने की पेशकश की और इस कुर्बानी की सज़ा उस दिन से भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मौजूद माफिया को एक अवाम दोस्त कामयाब मंसूबा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और जिस तरह पूरे निज़ाम आपके विजन को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल उसी तरह माफिया हमें भी कामयाब होता नहीं देख पा रहा, लेकिन वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सितम ज़रीफ़ी ये है कि RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले हमें 427 कनाल की एक प्लानिंग परमिशन जारी की और उसके फौरी बाद 1534 कनाल की प्लानिंग परमिशन भी जारी की और फिर हमारी मासूम सी फाइल को पंक्चर शुदा टायर लगा दिए गए। फिर वो हुआ जो हमारे वहमो गुमान में भी ना था, RDA ने हमारे प्रोजेक्ट को अपनी मेट्रोपोलिटन हदूद से बाहर करार देकर सर्द खाने की नज़र कर दिया। ला मोहल्ला हमने मुअज्जज़ सिविल कोर्ट हाई कोर्ट से रजू किया और कानूनी इजाज़त के बाद अपना डेवलपमेंट वर्क जारी रखते हुए मुअज्जज़ हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद RDA ने हमारा केस आज दिन तक आगे नहीं चलाया। इस दौरान लोगों को
आसानी के लिए आपकी हुकूमत ने एक काबिल तहसीन काम किया और लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस 2021 के तहत मेट्रोपॉलिटन हदूद से बाहर आरडीए से रहायशी स्कीमों की मंजूरी की इख्तियारात वापस लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रावलपिंडी को मुंतकिल कर दिए। लेकिन आज की तारीख तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपका ये हुक्म मानने को तैयार नहीं और अपने सर पर यह बोझ उतारने के लिए आपकी हुकूमत के खात्मे के ख्वाब देख रहा है और यूं एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे एनओसी को जानबूझकर लटकाकर नैब का केस बनाने की कोशिश की जा रही है। एक साल से जारी नैब इंक्वायरी में कोई एक भी शिकायत आवाम से मौसूल ना हुई और जब इंक्वायरी टीम ने केस क्लोज करने की सिफारिश की तो ना जाने किस एजेंडे के तहत इंक्वायरी टीम तब्दील करके दोबारा से इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया और अब ज़बरदस्ती इश्तहारात लगाकर आवाम को हमारे ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की जा रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने 1,00,000 केनाल के कुल रकबे में से इस वक्त तकरीबन 25-30 हज़ार केनाल रकबे पर दिन रात काम जारी रखे हुए हैं और आज भी नया पाकिस्तान मंसूबे के लिए सस्ते रेट पर 50,000 घर और अपार्टमेंट्स और गरीब आवाम के लिए 5,000 घर मुफ्त बनाकर देने की पोजीशन में है। लेकिन बदकिस्मती से आपके जेरे साया चलने वाला बातल जमहूरी निज़ाम और इसके तहत चलने वाले सरकारी इदारे पाकिस्तानी आवाम को इस महंगाई के दौर में आपके VN के मुताबिक सस्ते घरों की ये सहूलत माफिया के एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए नहीं देना चाहते। काश आप जैसा नडर और बहादुर लीडर वज़ीर आज़म हाउस के बाहर ज़मीनी हकायक को मलहूज़ खातर रखते हुए इस मुल्क के गरीब आवाम और उन्हें सहूलत देने वाले गयूर बिजनेस मैन की मुश्किलात हल कर सके। खान साहब, क्या आप ये कर सकेंगे? आपकी तवज्जो के तलबगार और आपकी खैर अंदेश। ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामिया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की तमाम रियल इस्टेट कम्यूनिटी। नाज़रीन, हम इसी के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपके जहनों में जो सवालात थे उनके जवाबात आपको मिल गए होंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।